I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. भूत की संख्या 702 इंडियन जेम्स बॉन्ड तुम्हारा नाम संजय कुमार रिफ्यूजी संजय कुमार रिफ्यूजी पिता का नाम लाला बैजनाथ ट्रांसपोर्ट वाले भाटी गेट लाहौर बैजनाथ तरुण कुमार पिता ये सब क्या हो रहा है महाराज तो तुम कब से मनुष्य विभाग में हो ये मेरा पहला मनुष्य है पूजा भर पहले मैं पशु विभाग में था कुत्ते बिल्लियां लाया करता था तो तुम इस मनुष्य के प्राण भूल से लाए हो अभी इसकी मृत्यु नहीं है अरे स्वामी जी मैं मरा नहीं नहीं मनुष्य हाय हाय स्वामी जी छागे नेवर बी पोप ऑफ परंतु मनुष्य तुम्हारा शरीर धरती पर है उसमें फिर से तुम्हारे प्राण डालने होंगे तो जल्दी कीजिए महाराज वरना अपने शरीर को तो कौवे खा जाएंगे वो भी दार्जिलिंग के मोटे मोटे घबराओ नहीं मनुष्य हम स्वयं चलकर ये काम अपने हाथों से करेंगे पूज्यवर इसे दंड दिया जाए आओ मनुष्य ये तूने क्या किया हनुमान बेटा हनुमान बेटा बस कर बस कर हमें हार दिया करुणा मामा जी आपको रोने की क्या जरूरत है आपकी जीप के पैसे तो बीमा कंपनी वाले दे ही देंगे कहा वचन सही 300 गया अरे मोटे कुछ तो शंकर संजय एक बार तू झूठ मूठ मरा था आज सचमुच मेरी बहन प्रिया बिन ब्याहे विधवा हो गई दोस्तों साला रो रहा अलग हनुमान देखा मामा जी आप साला रो रहा है जब मैं जिंदा था तो एक पैसा मुझे नहीं देता था हाँ बोल तू इतनी जल्दी क्यों चला गया अरे मैं कहाँ चला गया तेरे सामने तो खड़ा हूँ हाँ गले लग जा भैया तूने क्या किया अरे सुनता क्यों नहीं हनुमान ओ हनुमान स्वामी जी स्वामी जी नेवर बिफोर भाई ना मुझे देख सकते हैं ना मुझे सुन सकते हैं हाँ मनुष्य अब तुम केवल आत्मा हो ये ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते तो महाराज भड़तन के मुझे मेरे शरीर में डालिए ताकि मैं अपने यार के आंसू तो पोंछ सकूं समस्या बहुत गंभीर है मनुष्य इन लोगों ने तुम्हारा शरीर जला दिया अब क्या होगा महाराज अब तो सप्त ऋषियों में विराजमान महाबली न्याय ये समस्या निवारण कर सकते हैं। तो प्रभु जल्दी कीजिए वरना उनका ऑफिस बंद हो गया तो मैं मारा जाऊंगा कल फिर संडे भी है चलिए चलो चलिए महाबली न्याय आप ही कोई उपाय बताइए कि इस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल दिया जाए संजय संजय क्या कहा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता ओ महापुरुषो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुझे किसी दूसरे का शरीर नहीं चाहिए मुझे शरीर चाहिए तो अपना परंतु मनुष्य तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो चुका है तो मैं क्या करूं कसूर आपका है गलती आप लोगों के डिपार्टमेंट शांत मनुष्य शांत धीरज से काम लो अरे छोड़िए स्वामी जी आप तो कमाल बात करते हैं अगर इन लोगों ने मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया तो मेरी प्रिया मुझे कैसे पहचाने सब पहचाने तुम्हारे इस रूप ने तो यमदूत से यह भूल करवाई है क्या मतलब मृत्यु लोक के एक मनुष्य का रूप बिल्कुल तुम्हारे जैसा है
उसी कारण धोखे से यमदूत तुम्हें यहाँ ले आया। तो स्वामी जी इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे शरीर में डाल देंगे? हाँ। तो फिर मैं कैसे रहूंगा? मैं तो वो हो जाऊंगा। मनोज तुम ही रहोगे। सत्य तो आत्मा है, वही मन है, वही बुद्धि, वही कर्म। शरीर तो केवल मिट्टी है। वो तो ठीक है, मगर स्वामी जी प्रिया या हनुमान अगर मुझे देखेंगे तो संजय ही समझेंगे ना? अवश्य, तुम्हें जानने वाले तुम्हें संजय ही समझेंगे, परंतु शरीर के कर्म तुम्हें भोग नहीं होंगे। तो एक बात और सुन लीजिए स्वामी जी, अगर वो शरीर मुझे अच्छा लगा तभी उसके अंदर जाऊंगा। अवश्य। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ना बेटे ना, तू वहां मत जाना। वो लोग नीच है, कमीने। उन्होंने दादी माँ जैसी देवी को खर्च लिया। टीचर उसका भाई प्रेम दोनों इतने जलील हैं कि मैंने बचपन से उनका साया तुम पर नहीं पड़ दिया, और आज तुम उनसे दया की भीख मांगने जाओगी? ठीक नहीं, इंसाफ मांगूंगी वरना मैं उनकी जान ले लूं। प्रिया, दादी मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, मैं जरूर जाऊंगी। प्रिया, प्रिया, प्रिया! आप फिर आ गई साहब, आपसे मिलना नहीं चाहती, आप अंदर नहीं जा सकती। आज मिलकर ही जाऊंगी, समझ कर रखा है तुम्हारे के साहब ने। देखिए अगर आपने जबरदस्ती की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आहिस्ता बोलिए, ये शरीफ आदमी का घर है। लानत है उसकी शराफत पर जो दूसरे को इंसान ना समझे, मतलब ही धोखेबाज। अगर मेरा बस चले तो उसे जान से मार डालो। ये लड़की भी टीके को जान से मार देना चाहती है, क्यों ना इसी से फायदा उठाया जाए। मेरे ख्याल से आपके पिताजी बिल्कुल बेकसूर हैं। हाँ, मैंने दफ्तर से अकाउंट्स की डिटेल्स का पता कर लिया है और भैया को भी मना लिया है आपसे मुलाकात करने के लिए। मैं अभी चलती हूँ। अभी नहीं। तो फिर आज शाम को? अच्छा। ठीक 7 बजे भैया ने वक्त दिया है मिलने का। मैं जरूर आऊंगी। बोलिएगा नहीं? नहीं। अच्छा मैं चलता। बाय, थैंक यू। अरे वाह स्वामी जी, उड़ान का मजा आ गया। ये कौन सा शहर है? ये कलकत्ता है। ओ, कलकत्ता, ये बड़ा ब्रिज है ना? हाँ, और वो चौरंगी। साहब क्या कर रहे हैं? ये कुछ पढ़ रहे हैं सरकार। अच्छा देखो, ग्रैंड होटल में हमारे स्वीट में हमारा सामान पड़ा है, कुछ ले आओ। जी बहुत अच्छा। जय धरती मैया, जय धरती मैया। ये मकान तो बहुत ही अच्छा है महाराज, किसका है? जान जाओ। महाराज वो आदमी क्या कर रहा है? गोली मारने की तैयारी कर रहा है। किसे? ने भाई को। तो महाराज चलिए जल्दी पुलिस स्टेशन, इतला कर दे, ये तो जुर्म है। फिर भूल गए? तुम्हें कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, अगर महाराज कुछ तो करना चाहिए। स्वामी जी, और स्वामी जी मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मेरी तो बात भी नहीं सुनती। ये है मेरी प्रिया। शांत मनुष्य। हेलो मिस प्रिया। हेलो प्रेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई। आइए, भैया लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। Thank you.
ए भैया रुको, स्वामी जी वो तो अंदर जा रही है। जो प्रभु की इच्छा। मिस्टर टीके, टीके साहब, तुमने मेरे भाई का खून किया। क्या? सारा कमीने, अरे देखिए वो तो प्रिया पे इल्जाम लगा रहा है। नलिश कमीने, छोड़ दो जरा, पुलिस आ जाए तो चला। महाराज प्रिया को बचा लीजिए, प्रिया को बचा लीजिए। महाराज प्रिया को मैं नहीं तुम बचा सकते हो। मैं? हाँ। कैसे महाराज? उस शरीर में प्रवेश करके। मंजूर है महाराज, चलिए जल्दी प्रवेश कराइए। अगर मैंने अपनी टीके को गोली मारी होती तो कभी ना भागती, बल्कि खुश होती कि मेरे हाथ एक पाप से बनी है। क्या? हेलो हेलो प्लीज प्लीज। सुना महाराज, प्रिया इस आदमी से नफरत करती है, वो मुझसे भी नफरत करेगी। अगर तुम प्रिया को जीवन दान देना चाहते हो तो तुम्हें इस शरीर में प्रवेश करना ही होगा। हे प्रभु, मैं कहां फंस गया? गोली बाहर, जाओ प्रवेश करो। जो आ गया महाराज। महाराज नेवर बिफोर। आइए इंस्पेक्टर साहब। यही है वो मुलजिम इंस्पेक्टर साहब जिसने टीके साहब को गोली मारी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। लाश कहाँ? लाइब्रेरी में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, ये जबरदस्ती मुझे पता चल जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग मिस्टर टीके। गुड इवनिंग। आपके भाई प्रेम ने फोन किया है कि आपका खून हो चुका है। जी खून? जी। दरअसल इंस्पेक्टर साहब मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और मेरा ख्याल है मिस्टर प्रेम को दिन में भी ख्वाब देखने की आदत होगी। जी आप जरा उन्हें अंदर भेज दीजिए। आई विल जस्ट कॉल हिम। थैंक यू। हाउ इज सिलिया फ्रेंड? सिलिया फ्रेंड यस। मिस्टर प्रेम तशरीफ लाइए। गेट इन। कांस्टेबल इन्हें जाने दो। आई एम सो सॉरी मिस्टर प्रेम। मिस्टर प्रेम की बेवकूफी की वजह से आपको तकलीफ हुई। मिस्टर टीके जिंदा है क्या? वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। लानत है ऐसे आदमी पर जो दूसरों की इज्जत को इज्जत ना समझे। इससे कम मर जाता तो अच्छा होता। मिस्टर प्रेम इधर आइए। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं सच कहता हूँ भैया, वो लड़की बड़ी शैतान है। उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी थी और उसने मुझे बताया क्या आपको क्या हो गया है भैया। आपके तो कहने पर मैंने उसके बाप को जेल भिजवाया था, इसलिए वो लड़की आपको मार देना चाहती थी। जाओ प्रिया के बाप को फौरन जेल से रिहा कराओ और उनसे माफी मांगो। गेट आउट। शाबाश मनुष्य, ये अच्छी आत्मा की पहली झलक है। मगर महाराज आपके यम लोग ने तो मुझे प्रिया से और भी दूर कर दिया, अब ये फासला कैसे कम होगा? वो तुम्हारी आत्मा से नहीं इस शरीर से नफरत करती है। इस शरीर के कर्म तो तुम्हें भोगने ही होंगे, मगर तुम्हारी आत्मा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। कहां चल दिए महाराज? महाराज महाराज। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.